Hi friends, I am Shraddha and welcome in my channel Shraddha Recipes. And today I am sharing with you a very healthy and yummy recipe, hot chocolate, जो कि बहुत ही delicious होती है. तो चलिए फिर हम start करते हैं अपनी recipe और इसे आप जरूर share करिए जितना हो सके अपने friends के पास. इसे like thumb दीजिए and जो भी आपके पास अगर question है video से related या आपको कुछ समझ नहीं आया है या आपके पास कोई advice है तो उसे जरूर मुझसे share करिए मेरे comments box में. And आप मेरे channel को blog site पे देख सकते हैं and video के end में subscribe का option आता है and हमारे और भी जो प्लेलिस्ट हैं या वीडियोस हैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन आती है. तो ज़रूर उस पर जाइए, विज़िट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना लाइक करिए, शेयर करिए. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, अपनी रेसिपी. हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मिल्क. ये होल मिल्क है, फुल क्रीम वाला मिल्क. और हम ये हमारा सर्विंग ग्लास है, इस ग्लास के अकॉर्डिंग हम 2 ग्लास बनाएंगे. तो ये हमें इतना मिल्क चाहिए 1 कप. ये सम डार्क चॉकलेट के क्यूब्स हैं, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट का बार भी यूज़ कर सकते हैं. सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी का एक स्टिक है हमारा. और ये है सम आलमंड्स, ये हमने भिगो के रखे थे, छिलके से उतार लिए हैं और इसे हम चॉप कर लेंगे. इतने से इन्ग्रीडियंट है हमारे. मिल्क एंड सिनेमन को हम साथ में पकाएंगे और सबसे पहले हम चॉकलेट जो हमारा उसे मेल्ट कर लेते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हमें एक बॉयल्ड वाटर चाहिए. तो एक पैन में हमने वाटर को काफ़ी बॉयल कर रखा है और एक हम बोल ले रहे हैं जिसमें हमारे चॉकलेट्स क्यूब हैं और इसे हम इस हॉट वाटर में रखते हुए चलाते हुए मेल्ट करेंगे चॉकलेट को. ध्यान रहे लगातार हमें चलाना है ताकि नीचे से जलने ना पाए, चॉकलेट बराबर से मेल्ट हो. हम इसे माइक्रोवेव में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि माइक्रोवेव में हम बार बार चला नहीं सकते लगातार, तो वहाँ पे जलने का डर होता है. तो चॉकलेट मेल्ट करने का सबसे परफेक्ट वे यही होता है, हॉट वाटर में एक बोल लीजिए, बोल में चॉकलेट और उसे धीरे धीरे चलाते हुए मेल्ट कर लीजिए. देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गया. हॉट चॉकलेट विंटर्स में एकदम परफेक्ट ड्रिंक है, आप चाहे बच्चों को दें या खुद भी लें. काफ़ी एनर्जी बूस्टर ड्रिंक होता है, हेल्दी होता है क्योंकि चॉकलेट है, मिल्क है एंड जनरली एक ये है थिंक आती है माइंड में कि चॉकलेट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. हार्मफुल होता है बट एक अगर आप अमाउंट में ले रहे हैं, ये अभी हम चॉकलेट हमारा मेल्ट हो रहा है, दूसरे साइड पे हम अपनी जो मिल्क है उसे भी बॉयल कर लेंगे. हाई फ्लेम पे ही रखेंगे और ध्यान देते रहेंगे ज़्यादा बॉयल ना हो. तो मैं कह रही थी कि चॉकलेट अगर हम एक अमाउंट में ले रहे हैं तो चॉकलेट आपके लिए हार्मफुल नहीं है, हेल्दी है, बस उसे एक अमाउंट में लिया जाए. देखिए चॉकलेट हमारा काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है एंड मिल्क भी धीरे धीरे हॉट हो रहा है. हॉट चॉकलेट बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंस्टेंटली बन भी जाता है और बहुत ही डिलीशियस ड्रिंक है ये. और विंटर्स में तो बहुत ही बढ़िया है, एक गर्माहट देता है बॉडी को, एनर्जी बूस्टर की तरह वर्क करता है. देखिए मेरा मिल्क जो है बॉयल हो गया है, इसमें अब हम ये सिनेमन स्टिक जो है हमारी वो डाल देंगे. सिनेमन स्टिक इसलिए डालते हैं ताकि एक बढ़िया सा जो टेस्ट है वो आए. और सिनेमन स्टिक भी बहुत ही गुड थिंग्स रखता है अपने पास. चॉकलेट का जो फ्लेम है हम ऑफ कर चुके हैं, चॉकलेट हमारी मेल्ट थी तो इसलिए अभी हॉट वाटर में रखा ताकि जो हमारा इसका टेम्परेचर है वो बना रहे एंड हमारा मिल्क बॉयल हो रहा है. और अगर आप चाहें तो इसमें शुगर मत ऐड करिए क्योंकि चॉकलेट ऑलरेडी थोड़ा सा स्वीट होता है, बट चाहें आपको अगर शुगर पसंद है थोड़ा मीठा तो आप 1 टीस्पून शुगर इसमें ऐड भी कर सकते हैं. तो मैं 1 टीस्पून शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ, एक छोटा चम्मच. एंड अभी हमारा जो चॉकलेट है वो भी रेडी है, मिल्क है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा बस और बॉइलिंग चाहिए ताकि सिनेमन का जो फ्लेवर होता है वो अच्छे से आ जाए मिल्क में. एंड देखिए हमारा जो मिल्क है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है. तो इस पॉइंट पे हमारी चॉकलेट एंड मिल्क बोथ आर रेडी टू मेक हॉट चॉकलेट ड्रिंक. अभी हम जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे मिल्क का.
ये परफेक्ट बॉयल हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं एंड चॉकलेट मिल्क हमारी दोनों रेडी है। अब हम हॉट चॉकलेट बनाएंगे। सबसे पहले जो मिल्क है हमारा, उसमें से जो ये सिनेमन स्टिक है वो हम रिमूव कर देंगे। अब जो हमारा मिल्क है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें जो हमारा मेल्टेड चॉकलेट है वो ऐड करेंगे, अच्छे से पूरा ऐड कर देंगे और फिर हल्के हाथों से विस्क करते हुए चलाते हुए स्पून की हेल्प से इसे एक मिक्स कर लेंगे मिल्क एंड चॉकलेट को एक साथ। और बहुत ही बढ़िया लगता है पीने में, मुझे मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए चॉकलेट हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से मिल्क के साथ। एंड अब हम इसे एक जो हमारा सर्विंग ग्लास था उन दोनों में पोर कर लेते हैं। ये आराम इजली करेंगे क्योंकि हमारा पैन का जो माउथ है काफ़ी ब्रॉड है, तो हम बड़े आराम से करेंगे ताकि गिरे ना। अभी हम पोर करेंगे अपनी सर्विंग ग्लासेस में, और आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी आइडियाज़ के साथ इसे गार्निश करके या अच्छे से सर्व करके दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जो दिखने में ज़्यादा अच्छा होता है उसको देख के ही माउथ वाटरिंग वो डिश हो जाती है। तो अगर दिखने में अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, तो फिर क्या बात है। ये हमारा हो गया सर्विंग ग्लास में हॉट चॉकलेट रेडी। अब हम इसे एक चॉकलेट सिरप से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे जो हमारा चॉकलेट कप है, ताकि एक बढ़िया सा एक टेक्सचर आए। और इसे हॉट हॉट गरम गरम ही सर्व किया जाता है ताकि पीने में मज़ा आ जाए, इसलिए इसे हॉट चॉकलेट ड्रिंक कहते हैं। तो जो हमारा हॉट चॉकलेट ड्रिंक है वो रेडी है, इसे हमने गार्निश भी कर दिया है चॉकलेट सिरप से। देखिए कि दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम इसमें थोड़े से जो हमने आलमंड्स बताए थे वो चॉप करके रखे हैं और वो हम डाल देंगे इसमें। आलमंड क्योंकि हमें विंटर के लिए बना रहे हैं, तो विंटर में हॉट चॉकलेट एंड आलमंड भी काफ़ी हीट जनरेट करता है इनसाइड बॉडी। तो अगर हम हॉट चॉकलेट के साथ आलमंड लेंगे तो काफ़ी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होगा और बॉडी के लिए वार्म भी मिलेगा। तो इसको ज़रूर घर पर ट्राई करिए, जितना हो सके शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए, लाइक थम दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारा चैनल। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर एक्सपीरियंस बाय कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम। जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।